पंजाब के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को हुई बारिश और तेज हवाओं से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। दक्षिणी पंजाब में भी किन्नू बागवानों को काफी नुकसान पहुंचा है। किन्नू के पेड़ों पर आजकल फूल लग रहे थे तो तेज हवाओं के कारण झड़ गए। वहीं गेहूं की फसल को लेकर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और हवाओं से गेहूं को हुए नुकसान से उसके उत्पादन में 10% गिरावट आ सकती है। बठिंडा स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में स्थापित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी के अनुसार दक्षिणी मालवा में मंगलवार तड़के 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही है। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हुई। दक्षिणी पंजाब में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चलने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार रात तक दोबारा बारिश होने की संभावना जताई गई है। बठिंडा जिले में किसानों के गेहूं की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि वो इस साल अच्छी फसल होने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के कारण उनका 25% फसल खराब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़, पंजाब।